सीपीआर की ट्रेनिंग बचाएगी 40% लोगों की जान। इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट देश के 20% लोगों को देगा सीपीआर की ट्रेनिंग। ईसा कान टूथ औसन 19 के थक जेपी में आयोजित वर्कशॉप में दी गई सीपीआर की ट्रेनिंग। देश में मात्र 1% लोग हैं ट्रेंड। आगरा सीपीआर की ट्रेनिंग उन 30-40% लोगों की जान बचा सकती है जो अचानक चलते फिरते हृदयाघात के कारण सड़क या घर में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किए सर्वे के अनुसार फिलहाल देश में सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन से मात्र 1% लोग ही ट्रेंड है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट देश भर में अभियान चलाकर 15-20% लोगों को ट्रेंड करेगा जिससे 30-40% लोगों की जान बचाई जा सके। 25 से 29 नवंबर तक होटल जेपी में आयोजित होने जा रही ईसा कान टूथ औसन 19 के तहत आज सीपीआर की वर्कशॉप में 50 लोगों को ट्रेनिंग दी गई। एम्स दिल्ली के डॉ राकेश गर्ग ने बताया कि अचानक बातचीत करते हुए बेहोश हो जाने वाले मरीजों में 90% हृदय रोगी होते हैं जिन्हें समय पर हॉस्पिटल ले जाने के साथ सीपीआर मिल जाए तो 30-40% की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व एसोसिएशन की मदद ली जा रही है। MCI से मेडिकल व CBSI कोर्स में इसे शामिल करने की भी बात चल रही है। इसके लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा गाइडलाइन भी तैयार की गई है। यह स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता है। देश की आबादी के अनुसार यहां लगभग 15-20% लोग यानी हर घर में एक व्यक्ति ट्रेंड होना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश के डॉ चक्रा राव चेयरमैन इंडियन रिसेसिटेशन काउंसिल ने बताया कि हृदय रोग दिवस पर लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में